इंट्राडे स्टॉक्स की जानकारी दूंगा, साथ ही साथ एक छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आज के इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में दे रहा हूँ। पहले चलिए देखते हैं आज के किस तरह से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। देखिए हमारा पहला स्टॉक था टीवीएस मोटर्स, इसमें देखिए आपको 1.48 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स है दोस्तों ये। उसके बाद था टीसीएस, टीसीएस में मैं बताता हूँ आपको, ये 1.54 का इसमें भी प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद अंबुजा, अंबुजा सीमेंट में देखते हैं क्या हुआ है। अंबुजा में भी देखिए आपको 0.61 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देखते हैं माइंड पेट्रोनेट एलएनजी, पेट्रोनेट एलएनजी में देखते हैं क्या हुआ है। इसमें भी देखिए आपको 1.46 का प्रॉफिट हुआ है। और पेट्रोनेट एलएनजी के बाद अमर राजा बैटरीज, अमर राजा बैटरीज में दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए ये कैंडल की लो ब्रेक इस कैंडल ने किया, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस खा गया, तो इसमें हमें 2.45% का नुकसान हुआ है। और इसके बाद था माइंड ट्री जो कि बुलिश स्टॉक था, बुलिश स्टॉक में देखते हैं क्या हुआ। बुलिश स्टॉक में ये देखिए 1.37 का हमें इस पर प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद इन्फो एज नौकरी जो स्टॉक है, ये बुलिश बेरिश स्टॉक्स हैं, इसमें हमें 0.92 का परसेंटेज का हमें फ़ायदा हुआ है। उसके बाद जुबिलेंट फूड वर्क में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, आज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए 3% का, 46 रुपये, तो इसमें हमारा बहुत अच्छा रहा। और हीरो मोटो कॉर्प देखते हैं, हीरो मोटो कॉर्प में भी हमारा जो प्रॉफिट रहा है 0.78% का रहा है। और लास्ट हमारा मैरिको इंडस्ट्रीज था, उसमें हमारा प्रॉफिट रहा है दोस्तों 0.39, इसमें कम रहा। एनीवे तो कुल मिला के हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो 0.96, सारों को ऐड, सारे परसेंटेज को अगर आप में ऐड करें तो 0.96, यानी कि 1 लाख के ऊपर हमें 960 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये थी समरी आज के परफॉर्मेंस के बारे में। और चलते हैं दोस्तों कल के इंट्राडे स्टॉक्स कौन से होंगे उसकी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो, फर्स्ट अमर राजा बैटरीज इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, अमर राजा बैटरीज, सेकेंड टोरेंट पावर, तीसरा मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड और चौथा कोलगेट पामोलिव। तो ये चार स्टॉक्स हैं ट्रेंडिंग के। ट्रेंडिंग में आपने क्या करना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को बनने दें, उसका हाई और लो मार्क करें। अगर हाई ब्रेक होता है तो आपने बाई करना है, अगर लो ब्रेक होता है तो आपने सेल करना है। अगर बाई किया है तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर सेल किया है तो फर्स्ट 15 मिनट्स की हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। और बुलिश स्टॉक में हैं दो स्टॉक्स हैं, ग्लेनमार्क फार्मा और इंद्रप्रस्थ गैस दोस्तों IGL। तो इसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का हाई मार्क करना है, अगर हाई ब्रेक हो तो ही आपने बाई करना है, लो ब्रेक होने पर आपने सेल नहीं करना है। इस दोनों स्टॉक्स में केवल बाई करना है। बेरिश स्टॉक्स में हमारे पास दो स्टॉक्स हैं दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक और दूसरा जुबिलियंट लाइफ साइंसेस लिमिटेड। इन दो स्टॉक्स में आपने क्या करना है कि लो को मार्क करना है फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का, और अगर लो ब्रेक होता है तो आपने सेल करना है, अगर हाई ब्रेक होता है तो आपने बाई नहीं करना है। इन दोनों स्टॉक्स में केवल आपने सेल करना है। तो ये थी दोस्तों मेरे इंट्राडे स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस कल के लिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर साथ ही साथ कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो कृपया जो भी ये रिकमेंडेशंस हैं मेरी अपनी एनालिसिस, अपने स्कैन्स और अपने व्यूज़ हैं, तो इसको एक एजुकेशनल तौर पे लिया जाए। अगर और हाँ अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस रिकमेंडेशंस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ उनको शेयर करें और उन पर कमेंट करें, और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो
इसी आशा के साथ अपना वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।